हाय, अभी देखते कि शॉर्टेस्ट मेथड पॉसिबल फॉर नीट क्रैकिंग नीट पीजी और NICT। तो ये मेथड किन लोगों के लिए है? कि कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि NICT के लिए कुछ शेड्यूल बना के दीजिए, क्योंकि अभी सिर्फ 1.5 महीना बाकी है। तो NICT एस्पिरेंट्स के लिए शॉर्टेस्ट मेथड है पॉसिबल पूरा सिलेबस कवर करने के लिए। कुछ लोगों को हेवी इंटर्नशिप होगी, मतलब उनको ऐसे बिल्कुल भी छूट नहीं मिलती पढ़ाई करने के लिए, पूरा इंटर्नशिप अच्छे से करना पड़ता है और उनको टाइम ही नहीं मिल रहा है कि वो जो मैंने दूसरी मेथड बताई थी उससे ही पढ़ाई करने के लिए उनको टाइम ही नहीं मिल रहा है। पर फिर भी उनको मतलब ये साल बर्बाद नहीं करना है, कुछ ना कुछ तो ट्राई करना है। या फिर कुछ लोग जो वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और उनको बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ाई करने के लिए, पर उनको फिर भी इस बार एक चांस देना है। कुछ लोग जिन्होंने अब तक कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया है, फिर भी उनको कुछ होप नहीं है इस साल कि उनका उनसे कुछ हो पाएगा, पर फिर भी एक चांस तो देना ही है। और बेस्ट में वे क्या है चांस देने के लिए? और बहुत लोग बोल रहे थे मुझे कि मैंने जैसे 15 मॉड्यूल्स डेली करता था ना, तो उनसे नहीं हो रहे। एक्चुअली ना, मेरा स्टडी करने का स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। मेरे कॉलेज के सारे मेरे दोस्त बोलते हैं कि मैं बहुत ही फास्ट पढ़ाई करता हूँ। तो इट्स ओके अगर आपके 15 मॉड्यूल्स पर डे नहीं हो रहे या फिर 300 क्वेश्चंस पर डे नहीं हो रहे। आप अगर आप पूरा दिन पढ़ाई करने के लिए दे रहे, तो मैक्सिमम ट्राई करिए कि 200 क्वेश्चंस एक दिन में हो, या फिर 10 मॉड्यूल्स एक दिन में ख़त्म हो, ऐसा ट्राई कीजिए। एक्चुअली ना, ये जो लोग हैं ना जिनका थोड़ा स्टडी करने का स्पीड कम है, आप एक बार आपका स्पीड ऑफ स्टडी चेक कर लीजिए, मतलब कितने मॉड्यूल्स होते हैं दिन में, और इसी हिसाब से जो मैंने मेथड बताई थी अभी उस मेथड से आपका कितने महीने में स्टडी कम्प्लीट होगा। अगर नीट पीजी के लिए अभी 5 महीने बाकी है, तो 5 महीने तक आपका पूरा एक शेड्यूल बनता है कि अच्छे से पढ़ाई हो सकती है क्या, तो वो करिए। अगर आपकी स्पीड बहुत ही स्लो है और वो नहीं हो रहा है, 5 महीने में पूरा सिलेबस से कवर नहीं होगा, तो यू कैन ट्राई दिस मेथड, ये शॉर्टेस्ट मेथड जो मैं बता रहा हूँ। जो ये मेथड मैं बता रहा हूँ ये बेस्ट तो नहीं है सबसे, क्योंकि वो पूरा सिलेबस कवर नहीं करती, सिर्फ IMP टॉपिक्स कवर करती है। बट आप सिर्फ सोचिए कि कम से कम समय में अगर आप सारे IMP टॉपिक्स अगर कवर कर सके, लाइक मैंने ना मेरे टाइम पे मुझे ऐसे लगा था, मैंने पूरे होप छोड़ दिए थे कि मुझसे अब इस साल तो नहीं होगा। तो इसलिए मैंने बहुत सीनियर से पूछा था कि सर एटलीस्ट IMP टॉपिक्स बताइए, पर कोई ऐसे किसी को ऐसे पता नहीं होता कि IMP टॉपिक्स कौन से। तो इस मेथड से आप कम से कम समय में सारे IMP टॉपिक्स कवर कर सकेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होंगे ये तो नहीं है, क्योंकि हम पूरा सिलेबस नहीं कर रहे, सिर्फ IMP टॉपिक्स कर रहे, तो मे भी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो गए। और मैरो में ना FMG, पता नहीं क्यों, पर FMG की मुझे क्वेश्चंस दिखे ही नहीं मैरो क्यू बैंक में। और ये एक एग्ज़ाम है और इसमें टॉपिक्स जो पूछते हैं वो सभी NICT नीट PG के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मतलब इसलिए लास्ट टू टू फाइव ईयर्स में जो FMG एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे थे ना, वो टॉपिक्स भी अच्छे से करने, मैरो में नहीं दिए तो किसी और अदर सोर्स से करिए, प्रेप लैडर या किसी और अदर प्लेटफॉर्म से। अभी इस मेथड में हमें क्यू बैंक से करना है क्वेश्चंस, एटलीस्ट 200 क्वेश्चंस पर डे। क्यू बैंक्स से कौन से क्वेश्चन करने हैं आई विल टेक। अभी IMP टॉपिक्स कौन से होते हैं जो इससे पहले एग्जाम्स में पूछे होते हैं, तो हम कर सकते हैं ये मैरो के क्वेश्चन बैंक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ये दिए होंगे, मतलब सब्जेक्ट वाइज तो ये कर सकते हैं। पर इसमें सभी क्वेश्चंस नहीं कवर हुए, देखिए यहाँ पे सिर्फ 2017 तक ही कवर हुए हैं, हो सकता है उससे पहले भी कुछ टॉपिक्स पूछे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन बैंक के सेक्शन में कस्टम मॉड्यूल्स में जाएंगे, फिर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन, दैट इज़ 100, और डिफ़िकल्टी लेवल ऑल रखना है, क्वेश्चन फ्रॉम ऑल रखना है। फिर नेक्स्ट जाएंगे तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स चूज़ करते जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल हम अभी फिजियोलॉजी चूज़ कर रहे हैं, इसका एक पर्टिकुलर टॉपिक चूज़ करते हैं जनरल फिजियोलॉजी। फिर नेक्स्ट जाएंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ना हैशटैग सिर्फ एम्स और रिसेंट नीट ही चूज़ करने। एक्चुअली यहाँ पे FMG के क्वेश्चंस होने चाहिए थे, पर मैरो ने पता नहीं क्यों कवर नहीं किए। बाकी कोई भी हैशटैग बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, आपको लगेगा कि रिसेंट अपडेट्स करने चाहिए, इमेज बेस्ड क्लिनिकल करना चाहिए, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एम्स और रिसेंट नीट के क्वेश्चंस करने हैं। आप कुछ भी कर रहे हो, मतलब NICT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो मैटर नहीं करता, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो मैटर नहीं करता, ये दोनों भी करने हैं, क्योंकि इंटरचेंजेबली टॉपिक्स पूछते हैं इन दोनों एग्जाम्स में।
और रेगुलर मोड करना है, ताकि मतलब क्वेश्चन आपका रॉन्ग आया सही आया मैटर नहीं करता, नीचे जो एक्सप्लेनेशन है हम क्वेश्चन के तुरंत बाद पढ़ सकेंगे। एग्ज़ाम मोड होगा तो क्या होगा, सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको पहले, उसके बाद एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ पाएंगे। पर हम जैसे ही क्वेश्चन करते वैसे ही तुरंत उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना ज़रूरी होता है। अभी मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है मेरो का, इसलिए वो मॉड्यूल तैयार नहीं हो पाया। पर इसी प्रकार से ना, अभी हमने चूज़ किया था फिजियोलॉजी एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक, ऐसे से पहले फिजियोलॉजी के सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, जैसे कस्टम मॉड्यूल्स बना के वो सब्जेक्ट फिनिश करना है, और इसी तरह से सारे सब्जेक्ट्स के कस्टम मॉड्यूल्स बना के पूरे सब्जेक्ट्स फिनिश करने हैं। इस तरह से हम इससे पहले क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए एम्स और रिसेंट नीट, वो सारे क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। नाउ अगर हम INICT के लिए प्रिपेयर करें तो हमारे पास 1.5 महीना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ना 1 महीना में भी लग सकता है कि इस मेथड से सारे MP टॉपिक्स कवर करने के लिए। फिर बचे हुए 15 डेज़ में आपको ग्रैंड टेस्ट करने चाहिए और लास्ट 7 डेज का स्ट्रैटेजी जो मैंने बताया था वो। इस मेथड को आपको कैसे करना है, पहले तो क्यू बैंक करना है जैसे मैंने बताया वो, फिर ग्रैंड टेस्ट देने एज मच ग्रैंड टेस्ट एज पॉसिबल, और फिर लास्ट 7 डेज़ की स्ट्रैटेजी। और ये तीनों भी पॉइंट्स मैंने मेरे पहले वीडियोज़ में एक्सप्लेन किए, अगर आपने वो नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए कि क्यू बैंक कैसे सॉल्व करना है, ग्रैंड टेस्ट कैसे देते हैं, और लास्ट 7 डेज़ का गोल्डन स्ट्रैटर्जी क्या है। सो व्हाट आर द गुड पॉइंट्स अबाउट दिस मेथड, इस मेथड में ना हम ऑल IMP टॉपिक्स कवर कर रहे हैं इन लेस टाइम, यानी और हम सोच सकते हैं कि मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो भी तो टॉपिक्स कवर होंगे, बट उससे ज़्यादा अच्छा ये क्यों है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से टॉपिक वाइज नहीं क्वेश्चन दिए होंगे, इस मेथड में हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इट विल बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा ऐसा भी नहीं है, सबसे ज़्यादा ईजी मेथड तो डायरेक्टली पूरा क्वेश्चन बैंक करना है, पर हैपेजर्डली मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टॉपिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से अच्छा इट विल बी बेटर। और बहुत बार क्या होता है ना, मतलब अगर बहुत ही कम टाइम हो तो हम सोचते कि ऐसा करते कि कुछ सब्जेक्ट अभी कवर कर लेते मतलब जो होगा तो एग्ज़ाम में देखा जाएगा, और इस साल तो होने ही नहीं वाला, अगले साल देखेंगे और बाकी के बच्चे सब्जेक्ट्स हम अगले साल अच्छे से कर लेंगे। पर उससे अच्छा मतलब ये चांस क्यों गंवाना है, ये चांस इस साल भी कुछ ना कुछ तो थोड़ा इनपुट देते हैं, मतलब कुछ सब्जेक्ट पूरे कवर करने से अच्छा होता है कि IMP टॉपिक्स डूइंग फ्रॉम ऑल द सब्जेक्ट। तो इस मेथड से हम पूरे सब्जेक्ट्स के एटलीस्ट IMP टॉपिक्स कर रहे हैं, मतलब कभी हार नहीं माननी है कि इस साल नहीं होगा ही नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना है। यू कैन इवन डू दिस, इस मेथड से भी हो सकता है कि आपका बहुत अच्छा रैंक आ जाए। एंड एवरीवन सेज कि INICT एम्स ये जो एग्ज़ाम्स है ना, इनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही बहुत पूछते हैं, मतलब वही टॉपिक्स बहुत बार रिपीट होते हैं, तो इट विल बी बेटर अगर आप इस मेथड से करेंगे और एक ट्राई देंगे तो इट विल बी गुड। ओके ठीक है, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।